गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज है 19 मई और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे नोट करते रहिएगा और इसे अच्छे से याद करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम डेली वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा करते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और फिर मैं उसका जवाब आपको अगली वीडियो में देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा कल का क्वेश्चन था, वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है। आप अधिकतर लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट अफेयर्स क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की करंट अफेयर्स क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यरूशलम में दूतावास खोलने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो हाल ही में यरूशलम में दूतावास खोलने वाला दूसरा देश कौन बना है? ग्वाटेमाला। कौन बना है? ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किस बौद्धिक संपत्ति शुभकर का आयोजन किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किस बौद्धिक संपत्ति शुभकर का आयोजन किया है? आईपी नानी बौद्धिक संपत्ति शुभकर का आयोजन किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य बौद्धिक संपत्ति को लेकर स्कूली बच्चों में जागरूकता फैलाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 50,626 करोड़ की कुल कितनी योजनाएं संचालित हैं? तो कुल कितनी योजनाएं संचालित हैं? 1,333 योजनाएं संचालित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह किस देश के दौरे पर गए हैं? तो हाल ही में भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह उत्तर कोरिया के दौरे पर गए हैं। तो फिर आपको उत्तर कोरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंग यंग और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंटोनी केसल के पुनर्निर्माण के लिए कितने रुपए का आवंटन किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंटोनी केसल के पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितने का? 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत वर्ष 2018 के पहले पैरा राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो खेलो इंडिया योजना के तहत वर्ष 2018 के पहले पैरा राष्ट्रीय खेल आयोजित बेंगलुरु में किए जाएंगे। तो फिर आपको बेंगलुरु के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु एकमात्र भारत का ऐसा शहर है जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया हुआ है और ये कन्नड़ और प्लस इंग्लिश में ये लोगो बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फेस्टिवल 2018 में किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो कौन फेस्टिवल 2018 में किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? श्रीदेवी, जिसे मृत्यु के बाद में ये सम्मान मिला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन ये क्या है? SCO का मीन्स है संघाई सहयोग संगठन के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई? सान्या, चीन में। एक बार और सुन लीजिए, संघाई सहयोग संगठन SCO के देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक सान्या, चीन में आयोजित हुई। सान्या कहाँ पर है? चीन में। तो आपको चीन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम डेली वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा करते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और फिर मैं उसका जवाब आपको अगली वीडियो में देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन है,
वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी जकार्ता, सी टोक्यो, डी न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स कल मिलते हैं अपने नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।